तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ के 2022 का DQ संकेतांक का पेपर लेकर आए हुए हैं। आप जानते हैं कि हर साल हर सब्जेक्ट का 7 सेट बनता है और 2022 के 7 सेट का पूरा सोल्यूशन हम इस चैनल पर करा रहे हैं आपके SKM स्टडी पर, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन बच्चों को हमारे कोर्स, जो बच्चे भी कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, वे एग्ज़ाम से पहले हर पेपर देते जाइएगा, ठीक है? और पेपर, इसको जो मटेरियल हम देंगे, मात्र ₹50 में आपको 4 साल के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट देंगे विद सल्यूशन मिलेगा। 499 का ये कोर्स हो गया है मात्र ₹50 में। तो जिन बच्चों को लेना है, इस नंबर से संपर्क करें और इस नंबर संपर्क करने के बाद आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना? इसी नंबर पे आपको संपर्क करना है और PDF आपको WhatsApp पर मिलेगा, ठीक। मात्र ये ₹50 आपको 80+ नंबर दिला सकता है दोस्तों। आपका ये अनसाल पेपर और UPMSP का एक मॉडल पेपर आपको अच्छा से अच्छा बोर्ड एग्जाम में नंबर दिला सकता है। तो जिन बच्चों को लेना है, वो इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं, 7992087382 पर संपर्क करें। चलिए, अब जब आप एग्जाम में बैठोगे प्यारे बच्चों, तो आपको ये बोर्ड कॉपी मिलेगी, ठीक है? बोर्ड कॉपी मिलेगी और इस तरीके से आपको बोर्ड पेपर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो ये बोर्ड कॉपी मिलेगी और इसी बोर्ड कॉपी में आपको फ्रंट पेज किस तरीके से भरेंगे, कैसे भरेंगे। आपका पहला पेपर हिंदी होगा, इसीलिए हम फ्रंट पेज भरना सिखा रहे हैं हर वीडियो में आपको, क्योंकि हर वीडियो हर स्टूडेंट नहीं देख पाता। तो आज आपके लिए हम पूरा ये पूरा सिस्टम बताने वाले हैं। उससे पहले एक डेमो आपको ऑलरेडी भर के यहाँ पे रखे हुए हैं। एग्जाम में बैठोगे, ठीक है ना, तो ये 10 अंक का रोल नंबर, ये जो 10 अंक का रोल नंबर आप देख रहे हैं, ये 10 अंक का रोल नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और ये 10 अंक का रोल नंबर आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। और ये 10 अंक का रोल नंबर भरने के बाद प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, ज़रा ध्यान देना। इसका शब्दों में लिखोगे, अंकों में तो लिख दिया, और रोल नंबर लिखते समय थोड़ी सी भी अगर आपने लापरवाही की, तो आपकी जो कॉपी है वो निगलेक्ट कर दी जाएगी, पेंडिंग में डाल दी जाएगी, बाकायदे बाद में जांची जाएगी, जब आप फिर एप्लीकेशन वगैरह लगाएंगे, ठीक है ना, पेंडिंग में पड़ दी जाएगी। इसलिए आपको सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी है कि इसको अंकों में कहीं भी थोड़ा सा भी त्रुटि नहीं करना है। दूसरी चीज़, इसे शब्दों में भी आपको गलत नहीं लिखना। शब्दों में लिखना 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0 शब्दों में, ठीक है ना। फिर विषय की बात करें तो विषय जो भी होगा, सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी डाल देना। उसके बाद प्रश्न पत्र की बात करें तो आप जानते हैं हर सब्जेक्ट में एक ही पेपर होता है, तो यहाँ पे आपको केवल प्रश्न पत्र हर पेपर में लिखना है। दूसरी चीज़, ये जो आपका बॉक्स में प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये जो बॉक्स बना है, ये संकेतांक लिखना होता है जब आपको पेपर मिलेगा, ठीक। तो ये संकेतांक यहाँ पे भर देना। पेपर से पहले आपको कॉपी मिलेगी, कॉपी में आप ये यहाँ तक इसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सब भर लीजिए। ये बॉक्स वाला जब कॉपी मिलेगी तो आपको ये भर देना है। फिर परीक्षा का दिन जो भी होगा यहाँ डाल देना, परीक्षा तिथि लिखना डैश करके पाली। पाली में अगर शुभम परीक्षा होगी तो प्रथम पाली, आपकी परीक्षा साइंस के स्टूडेंट को 2 बजे से होती है, यहाँ द्वितीय पाली लिखने हैं। केंद्र के नाम की बात करें तो केंद्र के नाम आपके एडमिट कार्ड में प्रारंभिक स्थान पर ही यहाँ पर दिया होता है केंद्र का नाम, तो केंद्र का नाम आपको डाल देना है, ठीक। इस तरीके से आपको इतना काम करना है फ्रंट पेज पर। अब बात करते हैं पेपर्स के सोल्यूशन की। तो यहाँ पे इस तरीके से एक पेज पलटोगे, देखो इस पूरे पेपर 2022 का पूरे पेपर्स का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सभी लोग जो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा देना। घंटा नहीं दबाओगे ना तो नोटिफिकेशन पहुँचेगा नहीं। कितना वीडियो, सबसे ज़्यादा वीडियो SKM स्टडी पर अपलोड किया जा रहा है दोस्तों, ठीक। और एक एक से गद्यांश ना आए तो आप कैसे हल करोगे? गद्यांश हल कर लो दोस्तों, 10 नंबर में 8 नंबर तो पक्का ही कर लो, वो ट्रिक बताएंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटे छोटे प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति क्या है? माता भूमि है। क्या है दोस्तों? माता भूमि। देखो पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 काका का दूसरा ऑप्शन सही है, माता भूमि, ठीक है। दूसरा देखिए,
निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, विल्लेसुर बकरिया, विल्लेसुर बकरिया दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, रचना केवल है हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, साहित्य का मर्म, ये तीनों ना तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, विल्लेसुर बकरिया जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो पहले का ख का तीसरा ऑप्शन विल्लेसुर बकरिया देखो सही है। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट बताते हैं दोस्तों, हम इन प्रश्नों को जो इस पेपर में से 2023 में बोर्ड एग्जाम में आएंगे उनको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिखा रहे हैं, इसलिए आप लोग टिक लगा लीजिए कि आपके 2023 में आने की 100% गारंटी है। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, तो याद रखना दोस्तों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना मेरे विचार जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, ठीक है ना, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। आगे देखिए, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं, तो अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कौन है, अग्नि के उड़ान पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। अगला, फणीश्वरनाथ रेणु की कृति ढूमरी किस विधा पर आधारित है, तो ये जो दोस्तों ढूमरिया है ना, ढूमरिया कहानी विधा पर आधारित है, कौन है, फणीश्वर रेणुनाथ की कृति ढूमरी किस विधा पर आधारित, कहानी पर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रसकलश किसकी रचना है दोस्तों, तो याद रखना रसकलश जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला, मैत्री शरणगुप्त महाकाव्य कृति है, तो दोस्तों याद रखना मैत्री शरणगुप्त महाकाव्य कृति साकेत है, कौन है दोस्तों, साकेत है। चलिए फटाफट साकेत तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक, इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है क्योंकि ये आपका पहला बोर्ड एग्जाम है। पिछले आपने 10th में आप कोरोना आ गया था तो आप प्रमोट हो गए थे, आपको इस प्रकार की कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। कहानी हो गया, ठीक है, अयोध्या से उपाध्याय साकेत हो गया। अब दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पर एक कांगा दूसरे का कब हो गया था, मैथिली शरणगुप्त की रचना साकेत हो गया, ठीक। अब दूसरे का ग, ध्यान देना दोस्तों दूसरे का ग क्या है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्यकृति नहीं है, तो याद ध्यान देना इत्यलम जो है जयशंकर प्रसाद की काव्यकृति नहीं है, कौन है दोस्तों, इत्यलम जो है जयशंकर प्रसाद की काव्यकृति नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे इत्यलम लिखा हुआ है, फिर फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरे का अंगा, दूसरे के अंगा की बात करें हम, पहले हम घ देख लेते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था, तो याद रखना दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत सोवियत लैंड जो है लोकायतन पर मिला था, किस पर मिला था दोस्तों, लोकायतन पर मिला था, याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है, तो याद रखना दोस्तों हरी घास पर क्षण जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है, हरी घास पर क्षण। अब अगला देखिएगा, यहाँ पे गद्यांश, गद्यांश को कैसे करोगे, ये 10 नंबर का सबसे बड़ा नंबर इसी में आता है दोस्तों, तीसरा प्रश्न, और दो प्रश्न होते हैं, अथवा के ऊपर होता है अथवा के नीचे, तो हम अथवा के ऊपर वाला कर रहे हैं, आपको सिखा दे रहे हैं गद्यांश आपको सटीक वर्ड में, ठीक है ना। देखो भूम, पहले तो एक बार गद्यांश पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद देखना, उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर देना है, ध्यान देना, दिए गए भूमि का निर्माण देवों ने किया वह अनंत काल से है, यानी भूमि का निर्माण किसने किया, देवों ने किया, वह कब से है, अनंत काल से, देव भाई देव जो है भगवान अनंत काल से हैं। फिर आगे देखिए, थोड़ा इसको मतलब भी समझिएगा ताकि प्रश्न आया तुरंत उत्तर हो जाएगा। उसके भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, ठीक है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होते हैं उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होती है, क्या होती है, बलवती होती, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, ठीक है। और आगे देखिए, जननी है दोस्तों जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नई जुड़ व निर्मूल होती है, राष्ट्रीय की जड़ें पृथ्वी में
जितनी गहरी होगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अध्योपरांत जानकारी प्राप्त करना, उसके सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब देखिए इस प्रश्नों का उत्तर देते हैं दोस्तों, ठीक है, प्रश्नों का उत्तर समझिएगा, ऐसा समझाएंगे ना कि आपको एग्जाम में बिल्कुल थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, देखो पहला, भूमि का निर्माण किसने किया और वह कब से है, यानी यहाँ पे दो प्रश्न है, भूमि का निर्माण किसने किया और वह कब से है। तो देखो जहाँ पूरे इस गद्यांश में भूमि का निर्माण खोज, भूमि कहाँ है, यहाँ देखो पहले में ही भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। कब से दोस्तों, अनंत काल से है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको यहां से लेकर यहां तक लिख देना है, बस इतने में काम हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, जननी शब्द खोजो कहां है, जननी शब्द खोजो कहां है दोस्तों, यहां देखो, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, ठीक। तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दोस्तों ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक, यहां से लेकर आपको यहां तक मिलेगा, ठीक। अगला है, पार्थिव और अद्योपांत शब्दों का स्पष्ट कीजिए। अब पार्थिव शब्द खोजो कहां है इसमें, यहां देखो पार्थिव शब्द खोज लो, जहां मिल जाए वहीं से लिख दो। यहां देखो, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतना ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। तो तीसरे ये ग का उत्तर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करें तो पहले देखो गद्यांश में कहाँ से कहाँ तक रेखांकित है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको रेखांकित है। तो ये पूरा उतार दो या फिर इसको बढ़ा चढ़ा के अपने शब्दों में लिख दो, ठीक। अब देखो यहाँ पे दो दो चार, दो छः, दो आठ आपका पक्का हो गया। रही बात इस अंगा की, तो अंगा अगर नहीं आ रहा है तो अपने से कुछ बनाकर लिख दो, अगर आ रहा है तो लिख दो। क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यावरण शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप नाम से अवतरित है तथा इसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, इस तरीके से लिख देना है, ठीक। फटाफट इस तीसरे का क ख ग घ अंगा का स्क्रीनशॉट लेंगे। अंगा पहले लिखा है, फिर ख लिखा है, थोड़ा सीरियल में आगे पीछे हो गया, पैर 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 बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर अब आ जाते हैं पद्यांश में, पद्यांश में जरा ध्यान देना, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें उत्तर देना है पद्यांश की, ठीक है ना, और यहाँ तक। तो पहला प्रश्न है, संदेह प्रेसिका ने नवल जलद से कंज से नेत्र वाले, इसे ध्यान से पढ़ लो, ये बोर्ड एग्जाम में आने के इसके 10% चांस हैं, कितने 10%। तो यहाँ मेरे प्यारे नवल जलद, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना, ये रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है। आप पेपर, पिछला पेपर उठा के देखो, 2019-2020 उसमें भी आया है ये। तो ये चौथा नंबर प्रश्न जो है आपको देख लेना है, जो पद्यांश है उसका उत्तर देखो। संदेश प्रेमिका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया, तो यहाँ पर देखो दोस्तों हमारे किसके लिए, तो संदेश प्रेमिका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। अब देखिए दूसरा नंबर, मधुवन जाकर किसको, किसने कोई संदेश नहीं भेजा, तो यहाँ पर लिखेंगे श्री कृष्ण ने मधुवन जाकर कोई संदेश नहीं भेजा, ख नंबर का उत्तर याद रखना, क ख अंगा पहले से लिखा हुआ है, ठीक। अब आ जाते हैं घ में, घ में क्या कह रहा है, रेखांकित बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिख किए। तो दोस्तों याद रखना क ख फिर ग, घ यहाँ है, तो बावली मतलब पागल होता है, अल्प माने थोड़ा होता है, ठीक। फिर घ नंबर देखिएगा, घ नंबर जरा देखिए, घ नंबर देखिए दोस्तों, घ नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है हमें। अब देखिए प्यारे बच्चों जरा ध्यान समझिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश में यहां पर जो है
ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजू कून गूंजे मिलेगी। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी व्याख्या करना है। तो देखो, राधा जी पवन से कहती है कि जब तू मेरे पवन से थोड़ा आगे की ओर बढ़ेगी, शोभा वाले वन के पेड़ लताएं मिलेंगी, लेकिन वह कहाँ रुकना मत, आगे की ओर बढ़ते ही जाना। ठीक है ना। अगला है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो देखो, हमारे प्रस्तुत पद्यांश पाठ पुस्तक के शीर्षक पौंडुलिका हैं। इसके रचयिता जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध्य हैं। ठीक है ना, ये रचनाकार भी। अब तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे बच्चों। थोड़ा आगे पीछे नंबर हो गया है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व। अब देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, जरा ध्यान से समझिएगा, पाँचवें का क का तीसरा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा रहे हैं। पाँचवें का क यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, अधिकतम वर्ड 80 वर्ड रहेगा ना दोस्तों, तो आपको कम से कम उसे एक पेज के ऊपर ही लिखना है, डेढ़ से दो पेज कर दीजिए। एक पेज से कम लिखोगे तो आपका ये पाँच नंबर नहीं मिलेगा, आपको तीन नंबर दे दिया जाएगा। इसलिए आपको दो पेज तो लिखना ही लिखना है, एक पेज से अधिक लिखना बस। ठीक, जितना हो सके उतना तो फास्ट लिखना। अब देखो यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आपको आप करना क्या है, जब से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कवि बने थे, उसी समय से दोस्तों इनको क्या किया गया, ये हर साल पूछे जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है ये प्रश्न में हिंदी में हर साल आते हैं, क्योंकि ठीक, तो वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद, आपको दो याद करके जाना, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दो का याद करके जाना, निश्चित रूप से फंसेगा, ये 100% गारंटी वाले प्रश्न हैं। दूसरी चीज, इस वीडियो में हम आपको पाँच का तीसरा नंबर जीवन परिचय बताते हैं। ठीक, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पास भी समय कम है तो इसलिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाते जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहे हैं। और फिर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, पांचवें का ख, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा, मैथिली शरण, महादेवी वर्मा तो आप पढ़ के जाओ, ये निश्चित रूप से आना ही आना है, इसको आने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, ये हर साल पूछा जाता है, या दो पढ़ लो, ठीक, थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ ले लो, बना के अपने से पूरी कहानी इनकी बना दीजिएगा। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय का, यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका भी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब जो अगला बताने वाले हैं ना, वो तो मान लो कि 100% क्वेश्चन यही आएगा, पंचलाइट। आप सब जानते भी हैं कि पंचलाइट केवल एक कहानी याद करके जा रहा सारांश, पंचलाइट इससे बाहर का नहीं आएगा। ठीक, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, ये तो तीनों निश्चित आते हैं, तो आपको पंचलाइट पढ़ के जाना है बस। ठीक, पंचलाइट कहानी के सारांश का फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, आपके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत हो रही दोस्तों, और ख़ास तौर पे यूपी बोर्ड की कॉपी में पूरा सलूशन किया जा रहा है। अब देखो, खंड काव्य, हर जिले का खंड काव्य अलग अलग आता है। ठीक, तो यहाँ पे सातवें का क का खंड काव्य जो है स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर सातवें ख सत्य की जीत पर खंड काव्य पर। ठीक, उसके बाद जो है रश्मिरथ खंड काव्य पर यहाँ पे है ग, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, उसके बाद अब आ जाते हैं आगे, बाकी आप कर लेना, ये सब जिले का अलग अलग होता है, तो जिस जिले का होगा अपने हिसाब से करना। दूसरी चीज, अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने लायक हैं, ये छोटा मोटा प्रश्न की बात नहीं करेंगे, है भी प्रश्न लेते हैं जिसकी आने की संभावना 100% है दोस्तों, वही प्रश्न हम दिखाएंगे। देखो ये ना, ये 6 नंबर का, 12वें में क ख ग, यानी रस आता है, अलंकार आता है और छंद आता है।
ठीक है ना। ये तो निश्चित रूप से 6 नंबर पक्का कर लेना। आपको क्या करना है, करुण रस पढ़ के जाना है, उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ के जाना है, दोहा, तीनों पढ़ के जाना, करुण रस, उत्प्रेक्षा अलंकार, दोहा। ठीक, अब हम आप वीर रस की परिभाषा देखो, यहाँ पे हम सॉल्व किसका किए हैं, वीर रस का। तो वीर रस का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इश्लेष अलंकार का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक। एग्जाम में आपको यही पढ़ के जाना है, ये करुण रस, उत्प्रेक्षा अलंकार और दोहा, ठीक। स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट, यहाँ पे दोहा भी का स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद आवेदन पत्र देखो, ये आवेदन पत्र ना कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें ऋण की मांग की, ऋण की मांग के लिए, ऋण लेने के लिए, ठीक है, बैंक से उधारी लेने के लिए दोस्तों यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखना। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आपको एक जीवन पर एक निबंध बताते हैं जिसके आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं बोर्ड एग्जाम में। देखो आप क्या करो, जनसंख्या, जनसंख्या पर याद करके जाना, वृक्षारोपण पर याद करके जाना, ठीक है ना, और प्रदूषण पर याद करके जाना, ठीक है ना, वृक्षारोपण, जनसंख्या और प्रदूषण, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ देखो इसमें कौन कौन से लिखने के लिए आया था 2022 में, किसान जीवन की त्रासदी, मुंशी प्रेमचंद कथा साहित्य में योगदान, विज्ञान वरदान, विज्ञान वरदान पढ़ लेना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इसका इस समय क्रेज है, विज्ञान, योगदान और जनसंख्या, वृक्षारोपण, तीन चीज़ पढ़ के जाना, निश्चित रूप से आएगा। आप बना बना के अपने से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर किसका लिखें, किसान पहले का, 14वें का क का का लिखे हैं किसान, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक, ये इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इस पूरे पेपर्स का सलूशन मैंने किया। बाकी अपडेट्स के लिए आप इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे।